बस जा रही है, बोला कि चलो थाने चलो। पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, ये बर्लिन वॉल हाँ। का हिस्सा है भाई, पहली बार असम वाला मिला है भाई कोई, पर बहुत एक्सपेंसिव, जस्ट वाओ यार। तो ये 7 वंडर में से एक, यहाँ से सिटी का व्यू ऐसा आ रहा है और ऊपर गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूं भाई। और अभी हम हैं कैप टाउन, और आज हम जो है वो कैप टाउन को घूमने जा रहे हैं, कैप टाउन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहना वीडियो के आखिरी तक, बहुत कुछ अच्छा दिखने वाला है आपको और मेरे को भी। और फिर कैसे हम प्रिटोरिया पहुँचने वाले हैं ये भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। पिल्लू भाजी है, तो पिल्लू भाजी हूँ चाय चुई पीने लगे हैं, तो मैं उबर अभी हायर कर रहा हूँ यहाँ से। उबर से हम जाएंगे सिटी सेंटर, ये भाजी का गेस्ट हाउस हैगा जरा 10 किलोमीटर दूर हैगा सिटी तो, पंजाबी स्टार्ट होगी तो 10 किलोमीटर दूर है सिटी से। तो यहाँ से अभी उबर लेके मैं सिटी सेंटर जाऊँगा, वहाँ से बस लूँगा एक जो कि मुझे पूरा सिटी एक्सप्लोर कराए। नो प्रॉब्लम फॉर यू, ओके थैंक यू। ओके काजी, मैंने टैक्सी बुला ली है ऊबर से, यहाँ से सिटी सेंटर के लिए 115-120 रेंट दिखा रहा है, लगभग 15 किलोमीटर है। अब्दुल जो है तंजानिया से है और वो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, मतलब अपनी गाड़ी चला रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में काफ़ी कंट्री के मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब लोग आ जाते हैं। तो थैंक यू अब्दुल भाई, अब्दुल भाई अभी हमें ड्रॉप कर देंगे और निकलते हैं। हम वाटर फ्रंट एरिया में आ गए हैं, यहाँ से साइट सीइंग के लिए ये बस चलती है। मैंने टिकट ले ली है, 265 रेंट की आई है, 265 रेंट में मुझे अभी पूरा सिटी टूर हो जाएगा। हेलो, स्कैन और नो, इट्स ओके, आई नीड टू स्कैन, नॉट ओके, थैंक यू। अभी ऊपर जाके बैठेंगे, तो यहाँ पे ओपन में बैठेंगे, ये साथ में एक्वेरियम है, एक्वेरियम डॉल्फिन शो होता है यहाँ पे। अभी आप वहाँ पे भी बैठना चाहो तो बस में बैठ सकते हो, पर मैं यहाँ पे बैठूँगा ताकि कैमरे में साफ साफ दिखता रहे सब चीज़ें। ये खूबसूरत सी बस इसीलिए ली है यार, ताकि आपको भी एक्सप्लेन कर सकें और मैं भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। हालांकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया यार, पहले ब्रेकफास्ट भी करने का मन था, पर अब इस बस चल रही है तो एक बार। क्लॉक टावर बोलते हैं इस जगह को। ये वाटर फ्रंट के एरिया में आ गया, हम सिप वगैरह तैयार यहीं पे होती है, यहाँ पे लाके सिप को दोबारा से तैयार किया जाता है। 50% पॉपुलेशन जो है साउथ अफ्रीका की वो शहरों में रहती है, और स्पेशली जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया में भाई। यहाँ से एक जगह है रोबिन आइलैंड, जहाँ पे नेल्सन मंडेला को रखा गया था जेल के अंदर। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है यार, बहुत प्यारा बना हुआ है, और इसके साथ में वेस्टर्न है, ये सब 5-स्टार होटल्स हैं यहाँ। सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन या कोई भी प्रोग्राम होते हो सब यहीं होते हैं। 2003 में स्टार्ट हुआ था भाई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। कोई पुर्तगाल का बंदा था जो 1400 में कुछ यहाँ पे पहले बार स्पाइसेस को सर्च करने के लिए आया था, पहला यूरोपियन था। ये सिविक सेंटर है यहाँ पे, कुछ भी कहो यार मज़ा आ रहा है इसमें। यहाँ पे दो स्टैचू हैं, दोनों पहले गवर्नर के हैं जो 1600 कुछ में बने हुए हैं। इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रीट। ये टेबल माउंटेन के लिए वो जा रही है, ये सामने तो दिख रहा माउंट टेबल माउंटेन है। पूर्णिमा के दिन में पूरा एक तरफ से सूरज डूबेगा और एक तरफ से चांद निकलेगा, पूर्णिमा के दिन में यहाँ पे रोड जाम हो जाता है। तो ये लाइन माउंटेन, यहाँ से केबल कार चलेगी और वहाँ पर जाएगी ऊपर तक, ठीक है, पर यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे केबल कार को। और यह हाइकिंग करके भी जा सकते हो आप यहाँ से, पर अपने पास टाइम लिमिटेड है तो हम देखते हैं पहले कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक ये रोटी सी मिलती है, इसको कैप्रीज बोलते हैं, वेजिटेरियन, इट्स वेजिटेरियन ना, कैप्रीज इज वेजिटेरियन, नो चिकन नो मिल्क, थैंक यू सो मच।
एंड एक कैपेचिनो। ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं किया सुबह से। लो भाई, सेल्फ टिकट वाले काउंटर पे आ गया। मैं तो कार्ड से निकाल लिया, मैंने कार्ड से पेमेंट करनी पड़ी मुझे, और मैंने टिकट ले लिया। ये 400 रेंट की है, 390 रेंट की, और वहाँ से जाना है। अभी क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो थोड़ा वेट करता हूँ और फिर निकलता हूँ। वहाँ वेटिंग में लगना पड़ेगा। यहाँ से सिटी का व्यू ऐसा आ रहा है, और ऊपर से जाके देखते हैं कैसा आएगा। लंबी सी लाइन लगी हुई है वो केबल का रिंग। वेलकम टू द टेबल माउंटेन, द ऑफिशियल न्यू 7 वंडर ऑफ नेचर। नेचर का 7वां वंडरों में से एक है, और ये इसकी हाइट जो है ऊपर से वो 1085 मीटर पे है, और ये जो केबल जाएगी 1067 मीटर पे तक जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा आप हमें जाना पड़ेगा। ऊपर का ग्रे पार्ट है इसका, सैंडस्टोन से बना हुआ है। बीच वाला जो पार्ट है इसका रेडिश ब्राउन कलर का है, और उससे नीचे ग्रेनाइट है, उससे नीचे सिल्स्टोन है। तो चार तरह के पत्थर हैं इसमें, चार रो बनी हुई हैं उस हिसाब से। अभी आप देखोगे तो अलग अलग पत्थर भी देखना चल जाएगा। ग्रेनाइट जो है वो इस मिट्टी के नीचे घुसा हुआ है। तो ये 7 वंडर में से एक है, नेचर का 7 वंडर है। Good day, ladies and gents, and welcome to Table Mountain Aerial Cableway. You kindly need to step away from the side of the cable car. This cabin just ऐसे घूम रही है, मतलब पूरी जो केबल कार घूमती जा रही है, ऐसे रोटेट होती जा रही है अपने एंगल पे। पर आते आते डर तो लगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ तो वहाँ की विंड, हवा बहुत तेज चलती है। तो अभी देखते हैं कैसी हवा चल रही है यहाँ पे। जस्ट वाओ यार, भाई हवा तो चल रही है, पर यार बहुत तेज हवा चल रही है। चर्च बनी हुई है, उसको शॉप बना रखा है उसको। केबल बनाने के लिए जो लोग एक्सपायर हुए उनकी याद में ये बनाया गया है, ये रोप वे जो बना रखा है ना। ये बहुत सारे एरिया में है, कम से कम 3-4 किलोमीटर में फैली हुई है केबल माउंटेन। भाई डर तो लगता है, मुझे तो डर लगता है, मेरी तो थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि मेरे को हाइट से फोबिया है। पर यार कुदरत ने अद्भुत जगह बनाई हुई है, अद्भुत चीज है, अद्भुत। सी लेवल से अचानक इतना ऊंचा उठना, चारों तरफ समुंदर होना, एक छोटी सी जगह नहीं, काफी लंबा चौड़ा एरिया है। क्या खूब लगता है, बड़ा सुंदर दिखता है। ये नेशनल पार्क है एक्चुअली ना, टेबल माउंटेन को नेशनल पार्क घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आप फूल पत्तों को भी नहीं तोड़ सकते ऑफिशियली। खूबसूरत सी जगह को करते हैं बाय बाय। ये एक मॉडल बनाया हुआ है, देखिए ये सारा समुंदर है, ये लाइन माउंटेन है, और यहाँ पे हम हैं इस टाइम यहाँ पे, और ये सारा टेबल माउंटेन बोलते हैं। ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा यहाँ पे, तो ये टेबल माउंटेन पे है। तो यहाँ से उडन खटोला, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ले आया। तो ये पूरा इसका नक्शा है टेबल माउंटेन। एक बार इस केबल कार में 64 लोग आ सकते हैं। स्विट्जरलैंड की बनी हुई है, 200 किलो लेके जा सकती है यार। तो भाई हम आ गए वहाँ से नीचे, वो जो टॉप पॉइंट था वहाँ से इसमें आए हैं, और नीचे आने में 3 मिनट लिए उसने। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बस का, एक बार बस आ जाएगी फिर बस से हम यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे। 2-4 जगह और है वो बची हुई है, फिर हम करेंगे लंच। लंच करने के बाद में हम लोग यहाँ से बस का देखेंगे कि बस कहाँ से मिलेगी मुझे नेक्स्ट वापस प्रिटोरिया जाने के लिए। प्रिटोरिया यहाँ से 1500 किलोमीटर है। कुछ भी कहो, इन्होंने मैनेज तो चीज़ों को अच्छे से कर रखा है। पर यार उसमें ना उडन खटोले से मैं डर लग रहा था, वो हिल रहा था पूरा। हवा बहुत तेज़ चलती है ना, कोस्टल एरिया है, और ऊपर भी बहुत तेज़ हवाएँ चल रही। कई जगह आपको आवाज़ अच्छी नहीं आई होगी, आवाज़ में प्रॉब्लम्स आई होगी, पर यार कर लेना एडजस्ट, बड़ा भाई छोटा भाई। वर्ल्ड का मोस्ट सीनिक कोस्टल व्यू है ये।
हुक लगी हुई है। इस एरिया में वाइट वेल्स मिलती हैं। वाइट वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया से चल के यहाँ पे आती है, बस सिर्फ बच्चे पैदा करती हैं और फिर निकल जाती हैं। आप पैसे वाले हो और अच्छा क्लासिक टूर करना चाहते हो तो इस कार में कर सकते हो, पर बहुत एक्सपेंसिव है, $400 रहती है एक दिन का। एक चीज़ देखने वाली है, देखिए ये जो पेड़ हैं ये उल्टे हुए हैं, ये देखिए ये वाला पेड़ क्या है कि हवा जब तेज चलती है तो इस बिल्डिंग को लगती है और बिल्डिंग के लग के वापस हवा आती है इस तरफ, तो इस वजह से ये सारे पेड़ टेढ़े हो गए हैं। ये जो स्टेडियम है इसमें 2010 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। बस से उतर गया हूँ, उतर के और सिटी सेंटर में ही हूँ और मुझे विकास मिला। भाई विकास कैसा नमस्ते, है? मैं बढ़िया भैया। और क्या कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो इधर? जी हाँ जी हाँ। केपटाउन यूनिवर्सिटी से? हाँ जी, यूनिवर्सिटी। कौन से डिपार्टमेंट में? सोशल वर्क में, सोशल डेवलपमेंट में कर रहा हूँ मैं। अरे मास्क उतार ली था। हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल, सोशल डेवलपमेंट में। और वैसे नेटिव प्लेस आपका? मैं असम से हूँ भैया। अरे वाह यार, पहली बार असम वाला मिला है भाई, कोई बहुत कम लोग आपकी तरफ से जाते हैं ना। हाँ, बाहर कम ही जाते हैं। अच्छा लगा यार, भाई का मैसेज भी आया था मेरे पास में कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं हाँ यार मोस्ट वेलकम, हम तो मजा आएगा। और थैंक यू त्रया। थैंक यू भैया, थैंक यू आने के लिए। आप आए हो सिटी सेंटर में, तो अब हम थोड़ा सा एक बार इधर आसपास घूमेंगे। कौन सी जगह है ये, कोई सेंटर में? ये मार्केट है, मतलब हॉकर्स मार्केट है बेसिकली। और यहाँ पे दो तीन लैंडमार्क चीजें हैं। यहाँ पे एक वेल है, प्राइमरली उस टाइम पे जो अफ्रीकन लोग हैं उनके लिए था बेसिकली। और उसके बाद हम लोग बोकैप जा सकते हैं, सेंट जॉर्ज कैथीड्रल जा सकते हैं। केप टाउन में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे बर्लिन वॉल का एक छोटा सा पीस है। अच्छा। जो जब नेल्सन मंडेला जर्मनी गए थे उनको गिफ्ट करा गया था। ये कुआ था यहाँ पे जो ब्लैक पीपल होते थे वो यूज करते थे। ये एक्चुअली सिटी सेंटर में, हम सीबीडी में है, तो यही एक ओनली सोर्स ऑफ वाटर होता था उस टाइम में। सेंट जॉर्ज कैथीड्रल है जो डेस्मंड टूटू है जिनको नोबेल प्राइज मिला था इसी स्टार्टिंग में जो गुजर गए, वो पहले ब्लैक आर्क बिशप थे। जो स्लेव खासकर स्लेव, क्योंकि यहाँ पे एक स्लेव लॉज भी है। अच्छा। जहाँ पे स्लेव्स को रखा जाता था, तो उनके लिए ये वाला एरिया था होता था कि यहाँ से ये लोग पानी ले जाते थे। रिसर्च अगर आप करते हैं यहाँ पे तो ये लोग मंडेला रोड्स फाउंडेशन ग्रांट देती है। अच्छा, ये उसका ऑफिस है। अफ्रीकन, हाँ, अपने भी अफ्रीकन कंट्री के लिए अगर आप किसी टाइप का भी अंडरग्रेड पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेड पर, हाईली कॉम्पिटेटिव है ये फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिलना, बगर अगर आपको मिलता है इट्स वन ऑफ द बिग थिंग। ये बर्लिन वॉल का हिस्सा है भाई, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं जब हम जर्मन दोबारा से जर्मन जाएंगे, तो फिर देखेंगे। और साथ के साथ आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि ये सामने होटल है, होटल ताज, तो बाय चांस ही मुझे दिख गया उस पे ताज लिखा हुआ, तो होटल ताज है ये टाटा ग्रुप का। सामने ये जो देख रहे हैं सेंट जॉर्ज कैथीड्रल है, फर्स्ट आर्क बिशप जो थे ब्लैक आर्क बिशप डेस्मंड टूटू, वो यहाँ के आर्क बिशप रहे हैं। और जब वो मरे थे उनका जो लास्ट राइट्स यहीं पे परफॉर्म करा गया था। अभी पिछले साल? अभी इसी साल, अभी हाँ मैं यहीं पे था उस टाइम पे। अच्छा। बट मेरे को कोविड हो गया था तो मैं आ नहीं पाया, बट हाँ। सामने जो देख रहे हैं वो है स्लेव लॉज जिसकी मैं बात कर रहा था। स्लेव लॉज, हाँ, यहाँ से वो लोग यहाँ रहते थे और यहाँ से वो लोग पानी भरने जाते थे उस पॉइंट में। ओके, ये वाला एरिया स्लेव लॉज में आपको पूरा नॉट ओनली स्लेव हिस्ट्री बताते हैं, बट स्लेव लॉज अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा जो अपारेथिट हिस्ट्री है, लाइक अपारेथिट के टाइम पे कितने एट्रोसिटी, पुलिस एट्रोसिटी या पुलिस ब्रुटैलिटी जो हुई थी उसको भी दर्शाते हैं वहाँ पे। ये हाई कोर्ट बिल्डिंग है। एक और चीज दिखानी है आपको यहाँ पे। यहाँ पे ना एक पहले, क्योंकि व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स का ये होता था ना, रेशियल क्लासिफिकेशन बोर्ड्स हैं। अच्छा। तो रेस के हिसाब से लोगों को सेग्रीगेट किया जाता था और डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये जो देख रहे हैं आप उसमें नॉन व्हाइट्स ओनली, ये जो कलर्ड लोग हैं हम लोग हैं इन लोगों के लिए था, और वो सीट्स व्हाइट लोगों के लिए।
वाइट्स ओनली है। हाँ, अपार्टाइड के टाइम पे दो तीन आपके एंटी पीपल एक्ट पास किए गए थे, जो पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वाले चीज़ें होंगे उनसे तो ये लोग शादी नहीं कर सकते थे बाकी लोगों के साथ, मतलब दे कुड नॉट वेरी मैरी समवन एल्स आउटसाइड ऑफ देयर कम्युनिटी, एक तरीके से इनको अलग रखा गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ रेस क्लासिफिकेशन बोर्ड के बारे में, बेस्ड ऑन रेस कैसे सेग्रीगेट किया जाता था वो दिखाया गया है। ये देखिए बांतूज, बांतूज मतलब एक बांतू, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड है जो कि यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उस नाम से भी उनको बुलाया जाता था। तो यही सब चीज़ें हाउ लाइक आपके कलर, बॉडी कलर या स्किन कलर के हिसाब पे आपको अलग किया जाता था। करते थे। ये कंपनी गार्डन के अंदर आ गए भाई अब हम, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे प्लांटेशन है यार। तो भाई ये जॉन रोड्स की स्टैचू है, ये बिजनेसमैन हुआ करते थे, आई मीन अच्छा अच्छा लाइक एंड इनके नाम पे रोड्स फाउंडेशन भी है, वो रोड्स ने तो और काफी फिलैंथ्रोपिक वर्क भी किया हुआ है, बट रिसेंटली थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो गया। हाँ, ये वो बेल है, घंटा स्टेलनबॉश से यहाँ पर लेके आया था 1855 में था, और यहाँ पे ये आया है 1911 में। और ये सामने जो दिख रहा है वो है सिग्नल हिल। सिग्नल हिल के बारे में थोड़ा बता रहे थे आप। इट्स आई मीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इट वाज टू सिग्नल, ये सिग्नल करने के लिए बताया गया था कि मान लो शिप आया है कोई डॉकयार्ड पे, तो वहाँ से एक गन फायर हुआ करता था, जो कि स्टिल आज तक भी होता है, 12 बजे एग्जैक्टली मंडे टू सैटरडे फायर होता है। This was not only to mark that कि वहाँ पे ship आया है, but also to tell the slaves that कि क्या time है। Okay। इनके 12 museums है total। अच्छा, Cape Town में। हाँ, Cape Town में। सारे museums मैंने देख रखे हैं, क्योंकि Fridays को मैं हर Friday आता था और देखता था, ये explore करता था। आप लोगों student के लिए free है। Students के लिए free है। ये National Library है यार, क्या खूबसूरत बना रखी है। सेंटर ऑफ द बुक, यू कैन इसको ओपन हाउस बोलते हैं, ये जो रेड वाला है, ये इस मार्क ऑफ डेमोक्रेसी, कुल सिटी सेंटर के बड़ी टावर्स के बीच में छोटा सा लाल रंग का बना दिया। सो गाइस, अब हम थोड़ी दूसरी जगह पे आ गए, मैं और विकेश भाई। तो विकेश भाई, ये जगह है, इसके बारे में थोड़ा बताना, ये कलरफुल सी दिख रही है बहुत ज्यादा, क्या है ये? बिल्कुल, ये इस एरिया को बोकाप कहते हैं। बोकाप एरिया है ये प्राइमरली। ये सब एरियाज, ये जो घर देख रहे हैं आपको, ये 1760 के आसपास ये सब जो घर है बनाए गए थे या रेंट आउट किए गए थे जो स्लेव्स थे उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेजॉरिटी ऑफ लोग लाए गए हैं, कई लोग इंडिया से आए हैं, कई लोग जावा से आए हैं, कई लोग बांग्लादेश से आए हैं, कई लोग सेलोन से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, उन लोगों को यहाँ पे रीसेटल किया गया था, और इन लोगों के लिए ये घर बनाए गए थे और उनको रेंट आउट किए गए थे। फिर बाद में क्या हुआ, वो लोगों को जब अपार्टाइड के टाइम पे वहाँ इन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया था, डिस्प्लेस करके ये लोग कहीं काफ़ी अलग अलग जगहों में चले गए थे, बट वंस दे रिटर्न बैक टू दिस प्लेस, टू दिस बोकाप एरिया, दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग दिस हाउस एंड स्टार्टेड coloring these houses in different color to express in a way their freedom or their joy of coming back to home, ghar aane ki khushi mein, ghar wapsi ki khushi mein, ha, aur primarily jo cape malay hai, cape muslim community, jo cape town mein muslim community ke log hain, yahan pe largely log वो लोग हैं, यहाँ पे बांग्लादेशी शॉप्स काफ़ी हैं, जावा इंडोनेशिया के लोग काफ़ी हैं, बाकी मलेशिया के लोग काफ़ी हैं। अब ये देखिए घर ऐसे, ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का, ये अलग कलर का, ये अलग कलर का, पूरी पूरी लाइन ऐसी है। कुछ एंटीक सा बनाया हुआ है इन्होंने, कोकाप बाजार बोलते हैं इसको, कोकाप, ये बस छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। ये तो थोड़ा सा जो केप टाउन का इंटरनल टूर था भाई, सिटी के अंदर का, दो तरह से हमने सिटी का टूर किया है, बस से घूम के भी किया है, पैदल चल के भी किया है, आप लोगों के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए। तो शेयर तो बनता है, और बाकी विकास बोल देगा क्या बनता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइकिल बाबा भैया का पेज। मजाक कर रहे हैं यार, तुम्हारी मर्जी है भाई, पहले टिकट बुक करानी है प्रिटोरिया के लिए। यहाँ से रेलवे स्टेशन है अंडरग्राउंड, उसके अंदर आ गए हैं। ये सारी साइड में मेट्रो स्टेशन है, पूरे सब मेट्रो स्टेशन यहीं से चलती है मेट्रो यहाँ की। तो अब हम जा रहे हैं प्रिटोरिया की टिकट लेने के लिए, वहाँ इसको क्रॉस करके तो फिर हमने ले ली ऊबर लेके, और मैं अभी वापस जो गेस्ट हाउस है भाई का, बिल्ला भाई का, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ से फिर क्या करना है कि मेरे को जो टिकट मिली है वो सिर्फ 5:30 बजे तक है, अभी टाइम हो गया 4:30, एक घंटे के अंदर अंदर घर जाना है, सामान पैक करना है,
धन्नो को लेना है और वापस 5:30 बजे तक यहाँ पहुँचना है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास आगे टाइम नहीं है, क्योंकि 6 बजे बस निकलेगी। बस में मेरे को फ़ायदा क्या हुआ कि ट्रेलर है बस में, तो ट्रेलर में धन्नो आराम से खड़ी होकर चली जाएगी, साइड में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज़ मेरे को दिक्कत होनी थी। प्रिटोरिया की टिकट जो है वो मुझे 500 रेंट में मिली है यहाँ से, 500, और आगे देखते हैं। बस का जो एक्स्ट्रा वेट है 20 किलो तक फ्री है, उसके बाद में जितना भी वेट होएगा उसका आपको चार्जेस करना पड़ता है। तो दोनों को मैंने डाला गाड़ी के अंदर और अभी भाई मुझे छोड़ के आ रहा है बस स्टैंड पे। तो थैंक यू। ये अमित भाई हैं और ये साड़ा पिला पिला भरा पंजाबी च कहते बिल्ला भरा। तो ये भाई का गेस्ट हाउस है पीछे, सनसेट रात को बैठा था इसमें 6 बजे बज चुके हैं 12 और अभी भी 200 किलोमीटर दिखा रहा है। 21 घंटे की लगातार बस का सफर 1400-1500 किलोमीटर, हालत खराब कर रखी है। अभी हम पहुंचे हैं जोबग, जोबग में से निकले ही हैं। जोबग में मैं नीचे उतर गया, तो नीचे उतरते ही पुलिस वाले ने कहा कि हाँ सर वो करवाओ, चेकिंग करवाओ। मैंने चेकिंग करवाई, मतलब हाथ ऊपर कर दिए, देख लिया पासपोर्ट दे, मैंने पासपोर्ट दे दिया। पासपोर्ट पे बोले ये तो वैलिड नहीं है, ख़त्म हो चुका है। मैं बोला कि इसकी तारीख देख कब तक का वैलिड है। बोला नहीं ये तो तुम वहाँ पे सोतों में स्टैंप लगवा के लाए। मतलब गले पड़ गया बिल्कुल। उसने एक्चुअली क्या, मैंने अभी ATM से कुछ पैसे निकाले थे तो वो पैसे देख लिए, इस वजह से गले पड़ गया। तो मैं परेशान कि बस जा रही है, बोला कि चलो थाने चलो। तो काफ़ी देर तक तो बहसम बहस रहा। उसके फिर मैंने अम्बेसी को फ़ोन मिलाया, अम्बेसी ने उठाया नहीं बाई चांस। तो जो बस के ड्राइवर थे वो इंडियंस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वाइट पीपल है। तो उसने फिर उनको बोला कि ऐसे ऐसे ये बंदा ऐसे ट्रैवल कर रहा है और ये वो, और पर फिर भी ना माने। फिर मैंने दोबारा अम्बेसी को मिला लिया, तो अभी अम्बेसी ने उठाया ही नहीं था, उससे पहले पहले ही उसने मेरा पासपोर्ट वापस दे दिया, बोले जाओ। तो मतलब यार हरामीपन की भी हद होती है कई बार, तो ऐसा भी हो जाता है दोस्तों। तो अगर ऐसी कभी नौबत आ जाए आपके साथ ट्रैवल करते करते, तो आप घबराओ ना, सबसे ज़रूरी है। मेरे को पता था कि वो अगर मेरा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल को निकाल लेगा यहाँ पे और थाने ले जाएगा। मैं बैठ जाऊँगा थाने में आराम से जाके, सामान वामान मेरे जेब में जो पैसे हैं वो निकाल लेगा एक बार, पर मैं डंडा तो दे दूँगा उसको बाद में, तो मैं उसके हालत ख़राब कर दूँगा। क्योंकि मैं तो अम्बेसी को बुलाऊँगा या सबको बुलाऊँगा, प्रेस को भी बुलाऊँगा वहाँ पर। तो मतलब अगर आप गलत नहीं हो तो आपको घबराना नहीं चाहिए, नॉर्मली मैं इतना सोचता हूँ। और कम से कम ऐसी कंट्री में, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रूल रेगुलेशन है नहीं, डिक्टेटरशिप है, वहाँ तो फिर भी घबराना चाहिए आपको। खैर ये एपिसोड हुआ, अभी इस बस में बैठे हुए मुझे 22 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है यार। तो अभी जस्ट पहुँचने की है भाई, एक बार प्रिटोरिया यहाँ से 40 किलोमीटर है, वहाँ पहुँच जाऊँगा फिर करता हूँ बात यार। अब वहाँ पे भी 4 बजे के बाद में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे लूटपाट वाला सिस्टम आ जाता है। खैर देखते हैं जैसे भी होगा। मैं प्रिटोरिया पहुँच गया हूँ, ये भारतीय दूतावास को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी मैं नीरज भाई के घर पर जाऊँगा, बीच में मैं थोड़ा सा कटिंग भी करवाने लग गया, और बाकी कहानी मैं घर पर जाके बताऊँगा। अभी सेफ्टी इश्यू है मेरे साथ थोड़ा सा।